हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए हमने एक कुकर में तेल गरम किया है। अभी हम इसमें डालते हैं साजीरा। अभी हम इसमें डालते हैं गरम मसाले, जिसके अंदर इलायची, दालचीनी और काली मिरी लौंग है। अभी हम इसमें डालते हैं हरी मिर्ची और तेज़पत्ता। हमें इसे ऐसे बड़ा ही काटना है, हरी मिर्ची को बीच में से कट करके डालना है। हम इसमें काजू डालते हैं और काजू डालकर इसे अच्छी तरह से हम लाइट ब्राउन होने तक ऐसे ही भूनेंगे। काजू डालने से आपका मटर पुलाव बहुत ही टेस्टी होगा। अभी हम इसमें मिर्ची का पेस्ट डालते हैं। अभी मिर्ची भी अच्छी तरह से तेल में भून चुकी है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें मटर ऐड करते हैं। हमने मटर और आलू दोनों को साथ में थोड़ा से बॉईल करके लिए थे। आप चाहो तो डायरेक्ट लोगे तो भी चलेगा। अभी हम इसमें राइस ऐड करते हैं। राइस को हमने 10 से 15 मिनट पानी में भिगो कर रखे हुए थे। अभी हम इसमें पानी ऐड करते हैं। आपने जितने ग्लास राइस लिया हो आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हो। अभी हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला ऐड करते हैं और स्वादानुसार नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और कुकर का ढक्कन लगाकर हम 2 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मटर पुलाव रेडी है। अभी हम इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मटर पुलाव रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप चाहो तो इसे जब आप कुकर में पकने के लिए रखते हो तभी आप नींबू पानी डालोगे तो भी चलेगा। हमने नहीं डाले हैं, ऊपर से डाल के भी खा सकते हो। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपकी कमेंट हमारे YouTube चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए। थैंक यू।